Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our first lecture of maths for class 5. We'll start from unit number 1, numbers and arithmetic operations. जिससे पहले क्लास में आपने 100 मिलियन तक पढ़ा होगा, नेक्स्ट जो अब हम पढ़ने लगे हैं वो है 1 मिलियन तक। तो ये 10 डिजिट नंबर है, 1 मिलियन जो है वो 10 डिजिट नंबर है और ये इंटरनेशनल पे है। तो देखिए, इसने ब्लॉक्स के जरिए हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स में 100 तक आ जाते हैं, 3 ब्लॉक्स हैं, फिर थाउजेंड्स में 10,000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियंस के 3 ब्लॉक्स हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और 100 मिलियन के बाद ये हमारे पास बिलियन आ जाए। तो 1 बिलियन में कितने जीरोज आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इंटरनेशनल वे में इसको जब लिखा जाता है तो स्पेसिंग कैसे होगी? 3 डिजिट्स के बाद जो है वो स्पेस आई, स्पेस नहीं है। फिर 3 के बाद स्पेस और ये हमारे पास 1। तो ये हमारा, इसको हम इंटरनेशनल वे में लिख सकते हैं 10 डिजिट नंबर को। इसके अलावा कोई और नंबर अगर हम ले लें एग्जांपल, जैसे अगर ले लें 4 बिलियन है, अगर इसको हम लिखेंगे स्पेसिंग में कैसे लिखेंगे? 3 डिजिट्स के बाद स्पेस देंगे। और ये हमारे पास ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप इसमें कॉमास लेना चाहें तो हम कॉमास भी दे सकते हैं 3 डिजिट्स के बाद, स्पेस भी दे दें और कॉमास के तक जरिए भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह हम इसको 3 डिजिट मिलियन को, 10 डिजिट्स नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसके बाद है पेज नंबर 3 पर आए, एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ये ऑब्जेक्टिव टाइप। बेटा आप लोग पीछे से पढ़ेंगे इसको, इसकी थ्योरी को, तो आप इजीली इनके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड करता हूं, आप देखें पेज नंबर 3 पर ए है, इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन इज अ डैश डिजिट नंबर। तो हमें यहां से पता चल रहा है कि 1 मिलियन जो है वो 10 डिजिट नंबर बन रहा है। तो बहरहाल आप लोगों ने ये होमवर्क में करना है, आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, दीज 3 क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1A, क्वेश्चन नंबर 4, इजी क्वेश्चंस हैं सर। राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स, नंबर्स को हमने वर्ड्स में लिखना है। फिगर में हमारे पास ये बन है ए पार्ट 1500000, ये देखते हैं हमारे पास 7 डिजिट नंबर बन रहा है। इसको वर्ड्स में लिखने के लिए सिंपल वे है, हम इसको टेबुलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। चलिए टेबुलर में देखते हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट आ 0, 0, 0।
0051। तो ये हमारे पास आ रहा है 1 मिलियन। और ये 100,000 में आ रहा है, 500,000। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, इसमें बी एंड सी यू विल डू एट होम। नाउ डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 डी करते हैं। 7800790। टेबलर में देखते हैं क्या बनेगा। ये हो जाएगा यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ये 10 मिलियन, 78 मिलियन। इसमें देखिए 1,000 का जो है वो पोजिशन सब जीरो आ रहे हैं, इसलिए 1,000 नहीं लिखेंगे। 78 मिलियन। अब 100 से आ जाए 700। एंड ये टू डिजिट्स क्या बनेगा, 90। दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर्स इन द फिगर्स। हमने नंबर्स को फिगर्स में लिखना है, Giving the spaces correctly। आप अपने बुक पर देखें, पेज नंबर 4 पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज करना है। 1 मिलियन, 900,000, 1,900,000। तो मिलियन को यहां से हमें साफ नजर आ रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट का नंबर होना चाहिए। यूनिट 10, 100, टेबलर फॉर्म में लिखें 1,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। 1 मिलियन, मिलियन में हमारे पास है 1। 900,000, 100,000 में है 9, तो बाकी सब नंबर्स क्या आ जाएंगे, 0। और इसको इंटरनेशनल वे में अगर हम लिखें सिंपली 1, इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, 3 डिजिट्स स्पेसिंग देंगे, फिर 0, 0, 9, 1, 1,900,000। दिस इज द आंसर। बी और सी ये आप होमवर्क में करेंगे, सेम इसी टाइप के हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट देखिए अपनी बुक से, राइट द नंबर्स इन द फिगर। तो ये नंबर फिगर में गिवन है, तो फिगर में ही रहना है। गिविंग द करेक्ट स्पेस करेक्टली, स्पेस सिर्फ हमने इसमें करेक्ट लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6A, मैं वन पार्ट करूंगा, रिमेनिंग यू विल डू एट होम। 2,90,538,4,3,5,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट नंबर है, मीन के बिलियंस में आ रहे हैं। तो हमने स्पेसिंग देना है, स्पेसिंग कैसे होगी, फर्स्ट 3, 3, 5, 6 ये स्पेस आ गई, फिर इन 3 नंबर्स की स्पेस 3, 5, 6, 7, 8,
3, 8, 4, ये स्पेस आ गई, फिर 3, 9, 0, 5, अब ये हमारे पास इंडियन है। दिस इज द करेक्ट स्पेसिंग इन इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में आ गया, अब जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके लिए होमवर्क में। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट योर बुक, पेज नंबर 4, स्टेटमेंट देखते हैं। राइट द नंबर्स इन द फिगर्स, वर्ड्स में गिवन है, हमने फिगर्स में लिखना है। गिविंग द स्पेस करेक्टली, ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम कर चुके हैं, सेम वही क्वेश्चंस हैं। इसमें ए पार्ट करते हैं, 2 बिलियन $2,500,000। टेबल कैसे होगा, यूनिट 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million और बिलियन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट नंबर आ। 2 मिलियन, मिलियन में कितना है 2, 500,000, 100,000 में है 5, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे 0, 0। ये हमारे पास नंबर आ गया, अब इसको हम स्पेसिंग देते हैं करेक्टली। 1, 2, 3, ये स्पेस हो जाएगी, फिर ये स्पेस हो जाएगी, और ये यूनिट स्पेस है, और ये थाउजेंड्स है, ये मिलियन स्पेस है, और ये हमारे पास बिलियन। तो रिमेनिंग पार्ट्स इसके भी आपने बेटा होमवर्क में करना है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही होगा, लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, इनको अच्छी तरह करना है, होमवर्क जो है वो मस्ट है, यू विल डू इन योर नोटबुक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।